वेलकम टू कोरल एसपी व्लॉग। अब हम लोग जा रहे हैं पनवेल फिश मार्केट, देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है आज हम लोगों को। सूरज ड्राइव कर रहा है, सो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। चलो फिर हम लोग जाते हैं। राफा पीछे एंजॉय कर रहा है रेन। हेलो, तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे पनवेल मच्छी मार्केट में, तो देखते हैं अभी यहाँ पे क्या क्या मिलता है। मेरा थोड़ा वॉइस क्वालिटी लो हो सकता है क्योंकि ये माइक नहीं लगाया हुआ है। अभी रक्षाबंधन और नारली पूर्णिमा भी होके गई है, तो अभी मच्छी अच्छी आएगी। किती ना ताई? 500 दूध। दोन कापून नको, फक्त असेच दे। हा एक घे आणि त्यातला एखादा मोठा दे ना तो वाला। कोळंबी किती घेते? अर्धा एक कोळंबी दे ना, अर्धा किलो। 200 देऊ का? स्वस्त होते ना ताई? वारा आलाय ना, बोटी जात नहीं का अजुन। तो फिश लेके हो गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। तो जैसे हर एक कम्युनिटी का या फिर हर एक लोकलिटी का एक क्विजिन रहता है, वैसे पारसी लोगों का भी एक अलग क्विजिन है। और यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, मेरे को गाड़ी निकलने को नहीं हो रहा है। 2 मिनट दे दो, गाड़ी निकालते। अरे यार कितना ट्रैफिक आज, कुछ ज्यादा ही है। इतना नहीं रहता है नॉर्मली। तो मैं कह रहा था कि हर एक कम्युनिटी लोकेलिटी का एक क्विजिन रहता है, तो वैसे ही पारसी कम्युनिटी का भी एक क्विजिन है अलग से। जैसे पारसी लोग जो पर्शिया से आए थे और उसके बाद आके गुजरात में सेटल हो गए, तो जैसे उन्होंने कहा था कि हम लोग चीनी के जैसे दूध में घुल जाएंगे, वो वैसे ही घुल गए। लेकिन उसके साथ उन्होंने गुजराती और उनका जो क्विजिन है उसको एक फ्यूजन बना के उनका अलग सा एक इंडियन पारसी फूड जनरेट कर दिया। और उसमें से सबसे बेस्ट और जो सबको पसंद है वो है पात्रानी मच्छी। सो जो पात्रानी मच्छी है वो बहुत ही डेलिकेटेड डिश है। उसमें ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं होते, ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होता, लेकिन उसका जो टेस्ट है वो बहुत सुपर्ब आता है।
तो होप सो अभी घर पे जाके आपको वही बताएंगे या फिर आज नाश्ते में अकूरी बनाएंगे, जैसे हम भुर्जी खाते हैं वैसे ही अंडे का एक पदार्थ या वो बोलते डिश है। तो यार ये एक तो है ना, गाड़ी चलाते चलाते और कैमरा में बात करने का, ये देखो बीच में आ गया है बंदा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो थोड़ा डिले होगा आपको मेरी आवाज मेरा सब कुछ, क्योंकि यार देखो ना बहुत ट्रैफिक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक बेकरी में जहाँ से पाव लेंगे, भुर्जी पाव जैसा रहता है ना वो, तो वैसे ही अकूरी ब्रेड नान रोटी चपाती किसी के भी साथ खा सकते हो, बेसिकली इट्स अ ब्रेकफास्ट रेसिपी। तो यहाँ पे एक बेकरी है जो मुझे बहुत, तो मतलब वहाँ का जो ब्रेड पाव रहता है ना वो मस्त रहता है, सॉफ्ट और फ्रेश रहता है। हाँ फ्रेश रहता है। तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं पाव लेने और उसके बाद घर पे जाएंगे और आपको अकूरी का रेसिपी बताएंगे। और जो फिश लिया है उससे बहुत सारा रेसिपी आएगा, लेकिन वो आज के ब्लॉग में आएगा या उसका अलग अलग ब्लॉग आएगा वो डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही कंटेंट, इतना सारा कंटेंट एक ही ब्लॉग में डालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम लोग पनवेल फिश मार्केट से आए हैं, फिश अभी क्लीन वगैरह करना है। अभी हम लोग एक ब्रेकफास्ट रेसिपी दिखाने वाले हैं। जैसे सूरज ने पहले बोला है कि हम लोग अकूरी एग्स बनाने वाले हैं जो पारसी रेसिपी है। हम लोग पारसी रेसिपी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अभी पतेती और पारसी न्यू ईयर आया है, तो हम लोग एक ऐसे ही पारसी न्यू ईयर की वजह से अभी आप लोगों को बहुत सारे पारसी रेसिपीज देखने मिलेंगे। आप एंजॉय करो और आपको रेसिपी कैसे लगे ये आप हम लोगों को कमेंट में बता दीजिए। अकूरी एग्स बनाने के लिए हम लोग क्या क्या सामग्री लेने वाले वो अभी देखते हैं। अकूरी एग के लिए हम लोगों को लगेगा कटा हुआ प्याज, फिर कटा हुआ टमाटर, कटी हुई लहसुन, फिर कटी हुई धनिया और कटी हुई हरी मिर्च। मसालों में हम लोग ले रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, फिर हींग और गरम मसाला पाउडर। अकूरी एग्स में सांबार पाउडर पर जो पारसी स्पेशल रहता है वो यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोगों के पास वो नहीं है तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपना गरम मसाला और स्वादानुसार सॉल्ट। फिर हम लोगों को लगेगा बटर और हम लोगों ने 5 अंडे ले लिए। चलो अभी रेसिपी स्टार्ट करते हैं अपना। हम लोगों ने गैस अभी चला दिया है, अभी हम लोग डाल रहे हैं उसमें ऑयल। तो जैसे आप देख रहे हैं अपना ऑयल हीट अप हो रहा है और वो हीट होने के बाद हम उसमें डालेंगे प्याज लहसुन और हरी मिर्ची और उसको थोड़ा सौते करेंगे, भून लेंगे, उसको ट्रांसलूसेंट कर लेंगे, तो जिससे वो पक जाएगा थोड़ा, उसके बाद टोमेटो जाएगा, फिर वो पकेगा और उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा वो सब प्रतीक्षा बताएगी। आज मैं खाली कैमरा पकड़ के खड़े रहने वाला हूँ और खाने वाला हूँ। चलो अब हम लोग ऑनियन डाल देते हैं। अनियन थोड़ा सा ही हुआ है लेकिन हम लोग को अभी लहसुन डालना है। हम लोग लहसुन और मिर्ची डाल देते हैं। अभी इसको अच्छी तरह सौते कर लेते हैं अनियन ट्रांसलूसेंट होने तक। तो जब तक गार्लिक अनियन और हरी मिर्ची कुक हो रही है ना, तब तक मैं आपको एक बात बता दूं, आज का जो वीडियो शूट हो रहा है ना वो हो रहा है गोप्रो पे, तो आज का जो वीडियो है उसकी क्वालिटी, उसकी वॉइस क्वालिटी और जो हमारा हैंडलिंग है वो आपको कैसा लगा वो बताओ। एक्चुअली अनबॉक्सिंग का वीडियो आने वाला है लेकिन वो बना के एडिट नहीं किया है, तो वो भी आपको आएगा जल्दी, पर तब तक तो हमने शूट कर लिया, तो आप ही बताओ आपकी कैसा लग रहा है आज का वीडियो और उसकी क्वालिटी कैसी है। और यार कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिलहाल के लिए अभी फिर से स्टार्ट करते जो पेंडिंग रखा था अकूरी का वीडियो, बीच में मैं आ गया आपको थोड़ा सा पकाने के लिए, तो अभी ये पकाते और खा लेते और देखते कि कैसी टेस्ट है। तो चलिए बैक टू रेसिपी। अभी हम इसमें डाल रहे हैं टोमेटोस।
अभी हम लोग को ये टोमेटोज भी थोड़ा मशी होने तक कुक करना है। हम लोग इसमें अभी धनिया डाल रहे हैं, थोड़ा धनिया मैंने रख दिया है फॉर गार्निशिंग। ये मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा। अब हम लोग इसमें सब मसाले डाल रहे हैं, तो पहले हींग जाएगा और हल्दी जाएगी। ये मिक्स कर लेते हैं। और अब जाएगा इसमें लाल मिर्च और गरम मसाला और सॉल्ट। और अब हम लोग डाल रहे हैं मेन इंग्रेडिएंट एग। तो एक मेन चीज, एग डालने के बाद आपको इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है, बिल्कुल भी बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं देना है। और इसका जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा लिक्विड ही रखना है, थोड़ा सा कुक होने देंगे, ज्यादा कुक नहीं करना है हम लोग को। अकुरी एक ज्यादा क्रीमी बटरी रहता है। अभी ये एग्स सेमी कुक हो गए, तो अभी हम लोग को गैस बंद करना है और इसमें डालना है बटर। बटर की वजह से ये और क्रीमी हो जाएगा और यही अकुरी का मेन पार्ट रहता है कि इट शुड बी क्रीमी। हम एक मिनट इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और सर्व करेंगे। मिलते हैं अभी सर्विंग टेबल पे। तो दोस्तों, अपना अकुरी का रेसिपी बनके रेडी है। ये देखिए कितना टेम्प्टिंग लग रहा है और आहा क्रीमी भी है और स्मेल तो एकदम ऑसम आ रहा है। तो आप भी आपके घर पे बनाओ और हमको कमेंट करके बताओ कि रेसिपी कैसा था, आपको कैसे लगा। और चैनल को शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करो और ऐसे ही हमको भर भर के सपोर्ट करते रहो। टिल देन, थैंक यू। शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल और स्टे हेल्दी और स्टे सेफ। Bye bye. Bye. Rabo ke Rabo. Rafa se bye. Rabo ko bhook lagi hai akuri ki. Rafa usme onion hai, tere ko nahi chalega. Bye.